नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। चीन से एक चौंकाने वाली खबर, आइसक्रीम निकली कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन के उड़े होश। जी हाँ, चीन से अब एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ आइसक्रीम भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। ये सच है कि चीन में आइसक्रीम कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। चीन में आइसक्रीम को कोरोना संक्रमित पाया गया तो प्रशासन के होश उड़ गए। उत्तरी चीन में आइसक्रीम के नमूनों पर कोरोना वायरस का पता चला है, जिसके बाद अधिकारियों ने हजारों संभावित दूषित उत्पादों को जब्त कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के तियानजिन इलाके में स्थानीय स्तर पर बनाई गई आइसक्रीम के 3 सैंपल कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चाइना डेली की रिपोर्ट के मुताबिक तियानजिन डाक्योडाओ फूड कंपनी को 4836 बॉक्स के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली है। इसमें से 2089 स्टोरेज में सील पड़े हैं, लेकिन चिंता की बात ये है कि 1812 बॉक्स को दूसरे राज्यों में भेज दिया गया था और 935 आइसक्रीम के पैकेट स्थानीय बाजार में पहुंच भी गए थे। हालांकि इसमें से सिर्फ 65% आइसक्रीम के पैकेट ही बिके थे। फूड कंपनी ने पुष्टि की है कि गुरुवार को दोपहर 2 बजे उन्होंने 1662 कर्मचारियों को सेल्फ आइसोलेशन में जाने का आदेश दिया था। उनमें से 700 कर्मचारियों की कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। वहीं 962 कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है। दुकानदार और अन्य लोग जो इन आइसक्रीम पैकेट के संपर्क में आए थे, उनके आने जाने की जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीफन ग्रिफिन ने कहा कि आइसक्रीम का पॉजिटिव टेस्ट इंसान के संपर्क के कारण और एक बारगी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि प्रोडक्शन प्लांट के कारण ऐसा हो सकता है और संभव है कि फैक्ट्री में हाइजीन का ध्यान न रखा गया हो। उन्होंने आगे कहा कि आइसक्रीम को कोल्ड टेम्परेचर पर रखा जाता है और इसमें वायरस के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है कि आइसक्रीम भी अब कोरोना से संक्रमित होने जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।